हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज 31st की इवनिंग है और बहुत सारी तैयारियाँ न्यू ईयर की कर रहे हैं हम लोग, और पार्टी करेंगे जोरों शोरों से। और उम्मीद करती है ये नया साल हमारा बहुत ही अच्छा जाए सबका। तो ये पार्टी की तैयारी है भाई, अभी सब पार्टी के लिए हम लोग अलग स्नैक्स बना रहे। तो स्पेनिश में छोटे छोटे स्नैक्स को क्या बोलते हैं? तापस। तो आज हम लोग ग्लोबल तापस बनाएंगे, यानी हर कंट्री का है ना, इसमें इंडिया का भी है और मीठा भी तापस है, राइट? तो शुरुआत करते हैं टर्किश तापस से, है ना। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है, थोड़ा डालते ऑलिव ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा। देखिए टर्किश है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ सब वही खाए जाते हैं मसाले। और आगे आगे देखिए, अब ये अमूल बटर, वाह। देखिए मैंने पैन पहले ही गरम कर दिया था। तो आपने क्या क्या शुरुआत की है ये बताइए। अमूल बटर सबका लाडला, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और अमूल बटर। देखिए ये हो रहा है। अब इसमें क्या जाएगा? महीन कटा हुआ, एकदम बारीक कटा हुआ प्याज, बिल्कुल कम मसाले हैं। और ग्रीस और टर्किश बहुत नज़दीक है दोनों कंट्री, और वैसे ही इनका एक जैसा खाना। देखिए बटर और तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने महीन कटा हुआ प्याज डाला है। सविता जी, काजल जी, सनी जी, सुचित्रा जी, यादव जी, मंजुला जी, आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो मंजुला जी, हेलो राजिया जी, और सबको हेलो। मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो हेलो सबको। फिर से एक बार आप बोलेंगे तो मैं फिर से सबको हेलो बोल दी हूँ। देखिए ये प्याज एकदम महीन कटा हुआ, बिल्कुल आसान रेसिपी है, राइट? और लेकिन बहुत अच्छी है। तो ये टर्की में कैसे खाई जाती है? एज अ स्नैक्स, एज अ फुल मील। लेकिन हम लोग जो सर्व करने वाले हैं आज तापस जैसा, यानी स्मॉल पोर्शन में। भाई एक ही चीज़ बहुत बड़ी खाएंगे तो इतनी सारा टेस्ट कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपके लिए बहुत सारा बना के भी रखा है और बनाने भी वाली हूँ, राइट? अमूल के साथ ये देखिए ये प्याज। इसके बाद मैंने बेबी स्पिनच लिया है। देखिए अभी इतना अच्छा पालक आ रहा है, तो वो बेबी स्पिनच यानी छोटा छोटा कटा हुआ और बहुत रफली काट दिया है। अगर छोटे पालक के पत्ते हैं ना, तो ज़रूरी भी नहीं है काट पीट करने की, लेकिन बहुत हेल्दी और अच्छी रेसिपी है भाई। देखिए ये स्पिनच, वाह वाह वाह, प्याज के साथ। और इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स बोला था ना मैंने, हमारे किचन में सब मिलेगा। हाँ, और देखिए पालक में आयरन है, आयरन की मात्रा, और इसके साथ प्रोटीन मिल जाएगा, फेटा चीज है ना। मैंने अमूल का पनीर लिया है, फेटा चीज नहीं मिल रहा तो क्या करना है, अमूल का पनीर लिया है और उसको क्रश किया है। और थोड़ा सा आप चाहो तो क्रीम डाल सकते हैं ताकि वो क्रीमी हो जाए, लेकिन अमूल के पनीर से फेटा चीज। देखिए ये चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, आयरन और प्रोटीन से भरपूर। लेकिन आज भाई हेल्थ की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टेस्टी टेस्टी कैसा है वो देखेंगे, है ना। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये देखिए ब्लैक पेपर मैंने बहुत दरदरा किया है, आपके यहाँ जैसे पसंद है उस टाइप से कर लीजिए। रिंकू जी आपको हेलो बोल रही हेलो रिंकू जी, और रिंकू जी मैं आपको याद ही कर दी, सब लोग जितने भी आते हैं सबको याद करती हूँ, खाली सबके नाम नहीं लिए जाते, लेकिन ऐसा मतलब समझिए मत, मुझे याद रहता है। और ये फेटा चीज़ बहुत सारा, वाओ। देखिए ग्रीन और वाइट और चिली फ्लेक्स का रेड कलर, वाओ। देखिए ये है बेसिक उनका, जो गोजलेमे का फेटा
फिलिंग आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ना जैसे पालक है और ये है फेटा चीज़ है ना, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्लैक पेपर के साथ। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, कुछ भी नहीं, आप चाहो तो ऑरेगनो डाल सकते हैं। लेकिन देखिए ये इतना सिंपल, चिली फ्लेक्स, फेटा चीज़, ब्लैक पेपर, पालक स्पिनच और फेटा, क्या कहने हैं ये कॉम्बिनेशन का। देखिए अभी ये जो थोड़ा सा पानी है इसमें, थोड़ा सा जो है हमने फेटा भी डाला है तो थोड़ा सा निकलेगा और पालक भी है ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिड्यूस कर रही हूँ। तब तक मैं बताती हूँ कि ये मैंने मैदा लिया है। देखिए अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही, आपके लिए आटा गूंद के रखा है। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिल्क डाल के इसका मैंने आटा करके रखा है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू। वाह, अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। मैं यहाँ से हटा देती हूँ। देखिए ये जो पानी बिल्कुल भी सूख चुका है, राइट। बस यहाँ तक ही हमने इसको स्टर फ्राई करना है। वाह देखिए सोते करना है। देखिए अब कुछ भी पानी नहीं है, राइट। नमक डालने के बाद थोड़ा सा आया था वो निकल गया। अगर आप ये फीलिंग पहले से कर रहे हैं तो नमक मत डालिए, नमक वक्त पे डाल दीजिए है ना, क्योंकि नमक डालने से पानी छूटता है। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स रहती है ना और छोटी छोटी बातें, ये बहुत काम की रहती है भाई। तो देखिए मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और ये ठंडा करने के लिए यहाँ पे रख देती हूँ, नहीं तो नहीं होगा। अभी जो हमने आटा किया था, मैदा 1 कप, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसकी मैंने देखिए ये रोटियाँ बेली हैं, ये पतली पतली रोटियाँ बेल दी है ना। अभी वो चिपके नहीं करके मैंने डस्ट कर लिया है, तो ये यहाँ पे रख देती हूँ। और देखिए ये, वाह देखिए कितनी अच्छी और पतली रोटियाँ बेलनी हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी है। और आप बोल रहे हैं कि तापस यानी छोटा है तो किस फॉर्म में करेंगे, वो दिखाती हूँ मैं। ये ठंडा करने के लिए किसी और पैन में मैं निकाल देती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए भाई, है ना। हम लोगों को दूसरा भी एक स्नैक्स बनाना है और अमूल के साथ कौन सा ट्विस्ट बना के कौन से स्नैक्स मैंने बनाए। सिर्फ अमूल के स्नैक्स लिए और तल के रखे ऐसा नहीं है भाई, सब कंट्री के अलग अलग रखे हैं और मैं बताती हूँ कि क्या क्या आइडियाज़ है। तो ये मैं थोड़ा फैला के ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। ये देखिए ये जो है मैंने इसलिए बड़ा लिया है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है, हम लोग जैसे रोटी बेलते हैं ना वैसे बेल लिया है। ये आराम से फैला लेंगे, इसको मैंने पहले से करके रखा था तो। और ये देखिए राइट, अब क्या करना है, इसको दो टाइप के फोल्ड होते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो मिश्रण है, मैं देखती हूँ थोड़ा सा ठंडा हुआ कि नहीं। नहीं हुआ है भाई, तब तक आई थिंक मैं दूसरी रेसिपी लेती हूँ, है ना। देखिए ये शानदार हमारा ये, तब तक दूसरी रेसिपी लेती हूँ और हम लोग करेंगे फिर दूसरी रेसिपी की तरफ। अब मैंने लिया है आलू, जो अमूल का हैश ब्राउन है उसी को मैंने थोड़ा सा रगड़ लिया है और यहाँ पे उसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हम लोगों को थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है ना। और ये मोजरेला चीज़, इसकी मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है, राइट। ये मोजरेला चीज़, आज तो कैलोरीज वगैरह गिनना नहीं भाई, आज आराम से और अच्छे से खाएंगे। ये मोजरेला चीज़ और ये जो लजानिया शीट है,
ये शीट्स मैंने यहाँ पे देखिए लज़ानिया शीट्स जो रेडीमेड आती है, और जिनके पास नहीं है तो मैदा नमक के साथ थोड़ा सा भिगाना है और रोटी करनी है, और पानी में उबलते पानी में ये शीट डालनी है, उसको जो चाहे अपना आकार देके, रेक्टेंगल होता है वो आकार से काटिए। दाल ढोकली जैसे ऊपर आती है ना, जैसे उबल आता है वैसे ये शीट उबल, जिनके पास नहीं है वो लोग ऐसे बनाएंगे। सिंपल नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। तो ये मैं लेती हूँ पहले, इसमें देखिए ये अच्छे से मिला लेते हैं, और ये जो हमारा चीज़ वाला पोर्शन है इसको थोड़ा कवर कर देती हूँ, सिलेंडर शेप में ही, राइट, बहुत मोटा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। आज चीज़ वगैरह रहा स्नैक्स में तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सिर्फ मोज़रेला को अभी हम लोग कर सकते हैं ऑरेगनो वगैरह डाल के, वो भी एक मैं सिर्फ स्टिक के साथ भी बना के दिखाऊंगी आपको। ये दो और ये एक तीसरा, इसको थोड़ा सा सिलेंडर शेप में मैं करती हूँ। और इसको कैसे करना है, ये देखिए ये मैंने ली है ये शीट, और ये लज़ानिया शीट मिलती है नहीं तो आराम से आज जैसे हम लोग गोज़ले में जैसा कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑरेगनो मैं इसमें स्प्रिंकल करती हूँ, ब्लैक पेपर और ऑरेगनो, तो वो फ्रेशनेस बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ हम लोग स्टिक करेंगे ना तो इतना मज़ेदार नहीं रहता। अब मैं रखूँगी यहाँ पर और इसको आराम से, देखिए ये आराम से थोड़ा टाइट रोल करना है, एकदम टाइट, राइट, थोड़ा पीछे की तरफ से देखिए ऐसे पीछे थोड़ा सा, फिर से हम लोग थोड़ा रोल करेंगे पीछे की तरफ करेंगे, राइट। ये दो तीन हो गए, इसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ कट कर देती हूँ, और इसको एक सेलरी मैंने की है कॉर्नफ्लोर की या फिर मैदे की जो भी है, थोड़ा सा स्टिक करेंगे। तो ये मैदे का घोल थोड़ा सा। रिंकू जी कह रही है I pray that 2022 is better for each and everyone. बिल्कुल रिंकू जी, मैं भी यही प्रे कर रही हूँ और वैसे ही होगा, और वैसे ही होगा, हम लोग ऐसे बोलेंगे कि अच्छा ही जाएगा ये साल, है ना, हम सब प्रे करेंगे। देखिए ये फ्लावर जैसे, और ये देखिए ये साइड वाला जो पोर्शन है ना इसको भी थोड़ा बंद करेंगे। ये देखिए साइड से भी इसको पैक कर देंगे हम लोग ताकि ये निकले ना, और देखिए कितना फ्लावर जैसा अच्छा। अर्चना जी बोल रही है हैप्पी न्यू ईयर अपर्णा जी। थैंक यू वेरी मच अर्चना जी, और आपको भी बहुत एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ये देखिए ये मैं थोड़ा सा ऑरेगनो इसको भी डाल देती हूँ, और ये फिर से एक बनाएंगे हम लोग, और इसको टाइट करना है। देखिए ये टाइट थोड़ा सा रोल करना है, ये जो पास्ता फ्राई होने के बाद जो क्रंच आता है ना वो बहुत मज़ेदार रहता है। और मैंने जैसे बताया कि ज़रूरी नहीं कि तैयार है हमारे पास शीट, लेकिन बहुत आराम से ये लज़ानिया शीट बन जाती है ये पास्ता की। तो ये देखिए इसमें ये मैं इसको लगा देती हूँ दोनों तरफ से, और इसको पैक कर देती हूँ अच्छे से। तेल मैंने गरम करने के लिए पहले ही रखा है, लेकिन पहले गोलजमे की तरफ आ जाते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा छूट गया, मैंने फिर से इसको टाइट करना है, ये गया टाइट, और इसको ऐसे थोड़ा देर दबा के रख लेंगे। ये मैं रख देती हूँ थोड़ी देर, और
चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत पतली है, जहाँ तक समझ में आया हमने आटे में मैदे में थोड़ा सा नमक और दूध के साथ ये किया है और पतली रोटी बेली है। तो ये जो अभी स्टफिंग है इसको एकदम से नहीं करेंगे, सबसे पहला फोल्ड करेंगे यहाँ, क्योंकि बहुत पतला है ये। और आप चाहो तो यहाँ दही और ऑलिव ऑयल डाल के उसका स्प्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जैसे डबल पोर्शन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फिलिंग। वाओ कितना अच्छा दिख रहा है, फेटा चीज़, पालक, और बहुत मोटा नहीं करना है, ये स्प्रेड हर जगह हो जाए। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ फोल्ड, साइड से ऐसा बंद करूँगी और ये फिलिंग और एक करूँगी। देखिए वाओ क्या सुगंध है, बढ़िया सी सुगंध। ये गौजले में हमारा तैयार हो रहा है और फटाफट बनने वाला। देखिए पैक हो गया एक, और इसको मैं हटा देती हूँ और दूसरा हम लोग बनाएंगे। यहाँ रख देती हूँ दूसरी भी रोटी आराम से, क्योंकि भाई जल्दी चिपक जाती है ना। थैंक यू वेरी मच, और आप सबको एडवांस में न्यू ईयर का शुभकामनाएं। अब मैं दूसरी एक फोल्ड दिखा देती हूँ। देखिए ये एक यहाँ से कट लगा हुआ है, यहाँ से एक, जैसे यहाँ से एक, आधा आधा कट लगाया, राइट। अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे थोड़ा सा लगा दूंगी ये पोर्शन में, ये पोर्शन में भी लगा दूंगी। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ हाफ फोल्ड, ये हाफ फोल्ड यहाँ पे, और ये जो फोल्ड है यहाँ पे, राइट। तो वैसे ही ये भी फोल्ड थोड़ी सी, लेकिन अच्छे से पैक करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये दो फोल्ड हो गए। अब जो बचा हुआ हमारा ये गौजले में का जो स्टफिंग है फेटा चीज़ के साथ, वाओ क्या कहने, ये जो है इसमें मैं ये ऐसा पहले ये डाल देंगे, राइट। इससे क्या होगा, थोड़ी जो लेयर्स है ना वो ज़्यादा दिखेगी। ये इतना बचा है ये मैं यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ ताकि अच्छा फीलिंग। देखिए अमूल के साथ कितनी सारी दुनिया की हमने शेयर की है, और मेरे ख्याल से 77 कंट्री के शेफ थे, तो बहुत सारी कंट्री का खाना मैंने दिखाया है और कई बार तो टेस्ट भी दिया है, जैसे ये तापस में भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए ये मैं यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ अच्छे से, साइड से तो हमने फोल्ड कर दिया है, ये भी मैंने आपको दो फोल्ड बताए, राइट। और अभी मैं पैन गरम करने के लिए रख देती हूँ ये हटा के। किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप बोल सकते हैं। ये पैन गरम करने के लिए मैं रख देती हूँ, थोड़ा बड़ा करूँगी। ये भी हम लोग तलने के लिए लेके आ रही हूँ मैं ये स्टिक, और ये पैन गरम हो रहा है। अभी क्या करेंगे मैं बताती हूँ, दूसरा भी एक लेके आती हूँ मैं, ये वाला फोल्ड।
देखिए ये मैं फटाफट बताती हूँ। ये है मैंने अमूल के रस लिए हुए ये, और इससे एक मैक्सिकन स्टार्टर बनाया है, रोस्टाडा, ये टोस्टाडा बनाया है, टोस्ट से टोस्टाडा बनाया। ये मिल्क रस्क लिया है प्लेन वाला, और उसमें ये टोस्ट के ऊपर मैंने ये सालसा रखा है, और अमूल का मसाला पनीर बनाया है कॉर्न वाला, जो कॉर्न मैक्सिको में खाते हैं, ये वाला देखिए, ये वाले नगेट्स, चीज़ी कॉर्न नगेट्स, चीज़ कॉर्न नगेट्स, क्योंकि मैक्सिको में बहुत ज़्यादा कॉर्न भी खाते हैं, तो मैंने उससे ये बनाया है, ये सालसा बनाया है, और चीज़ कॉर्न नगेट्स तल के उसमें डाले हैं, ऊपर से चीज़, और ये थोड़ा सा गुआकामोली सॉस। तो ये देखिए टोस्ट का टोस्टाड़ा, और वो भी चीज़ी नगेट्स के साथ चीज़, और ये एक, और धीरे धीरे बताती हूँ मैं, जैसे ये जैसे तापस से छोटा स्मॉल पोर्शन में वैसे लेते हैं, और ये अभी गोल्स में है, हो गया हमारा पैन गर्म हो गया है, और इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ भाई, और दूसरा भी रखो, चलिए रख देती हूँ, इसको हम लोग सेक लेंगे, और इसके साथ ये बनाया है रस से, फिर से उसमें थोड़ा सा मैंने रब किया है गार्लिक से, और उसमें थोड़ा सा फेटा चीज़ और बाकी सब प्याज और टमाटर रॉ डाल दिए है, और ये ब्रुस्केटा बनाया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं उधर आती हूँ और आपको बताती हूँ। देखिए एक ये हो गया हमारा टोस्ट, टोस्टाडा मैक्सिकन, उसमें फिलिंग दी है, ये ग्वाकामोली और कॉर्न वाले नगेट्स, कॉर्न और चीज़ वाले नगेट्स दिए हैं। उसके बाद ये वाला इसे स्क्यूअर बनाया है, ये है चीज़ी नगेट्स, और ये देखिए शानदार, ये जो हमारी इलायची वाला बटर कुकीज़ है, उसमें मैंने गाजर के हलवे के कॉइन्स बनाए हैं, और इसमें जो अमूल का शानदार ये जो कैरेमल सॉस है वो मैं डाल देती हूँ। वाओ, हाँ देखिए कितना सुंदर कैरेमल सॉस, ये कैरेमल सॉस देखिए, कैरेमल सॉस की सुगंध, और ये कितना अच्छा है कलर, वाओ, ये मीठा तापस और बहुत फ्लेवरफुल। और उसके बाद ये जो है, ये है पिज़्ज़ा पॉकेट्स, चीज़ पॉकेट्स, और उसके साथ भी आप सब चीज़ें ले सकते हैं। और ये इसके साथ ये देखिए, ये सेक रही हूँ मैं, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए अच्छे से सेक रहा है, वाओ। अब इसको क्या करूँगी मैं, थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया है, कोई बात नहीं भाई, इसमें बटर लगाएंगे हम लोग, थोड़ा सा बटर। रिंकू जी बोलिए, वाओ सो ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच रिंकू जी। और ये जब काटेंगे तापस के लिए, तो इसमें लेयर्स दिखेंगी और फिलिंग भी रहेगा। देखिए ये थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल भी डाल देती हूँ, ताकि जले नहीं है बटर, ऑयल भी डाल दिया, अब डरने की ज़रूरत नहीं भाई, जलेगा नहीं। अब ये देखिए, ये जो है हमने इसमें एक बार घुमाया, ये भी मैं एक बार घुमा देती हूँ, ताकि अच्छे से इसको देखिए ऐसे दबा भी सकते हैं, है ना, और धीमी आंच पे करना है, अभी तक धीमी आंच पे किया है हमने। और ये जो है देखिए, थोड़ा सा
और रिंकू जी आपको कैसी लग रही है दोनों रेसिपी बताइए। और मैंने जो अमूल के जो हैप्पी स्नैक्स है जो वो कैसे लगते हैं, उसको कैसे ट्विस्ट दिया है, एक मैक्सिकन दिया है, एक ब्रुस्केटा जो है वो इटालियन है, और जो ये है मीठा वाला वो इंडियन है, और ये जो है हम लोग बना रहे जो है वो टर्किश। इसको अच्छे से सेक लेंगे, एक तो हो गया अभी, एक को सेकने का है। चलिए ये मैं हटा देती हूँ और फटाफट हमारी ये चीजी स्टिक है वो तल लेते हैं लज़ानिया शीट के साथ, और ये काट के मैं आपको दिखाऊंगी और कैसे करना है सब वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने गरम करके रखा था ऑयल को, और ये हम लोग ये थोड़ा सा साइड से दबा देंगे, और ये देखिए ये जो लज़ानिया शीट के साथ चीज़ और हैश ब्राउनी ये मैं इसमें डाल देती हूँ। विक्की जी की कमेंट है, आई लव योर रेसिपी मैम, आई एम योर स्टूडेंट। अच्छा थैंक यू वेरी मच विक्की जी, और बहुत अच्छा लगा मतलब मिलके या आपकी कमेंट सुन के, थैंक यू वेरी मच। देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब स्टूडेंट भी कभी ऐसे मिल जाए। इतने साल से काम कर रही हूँ मैं फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, लेक्चर्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में लेती हूँ। अच्छा थैंक यू वेरी मच विकी जी, और बहुत अच्छा लगा। देखिए ये लज़ानिया शीट के साथ फूड प्रोसेसिंग के मेरे काफ़ी लेक्चर्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में लेते हैं, और मैं हर जगह काम करती हूँ, एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो ये देखिए ये हम लोग ये निकाल रहे हैं, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, है ना। ये क्रैकर्स, चीज़ी क्रैकर्स, है ना, नाम कैसे लगा आपको। ये देखिए आप ऐसा छोटी डंडी वाला मत लीजिए, जब भी नए बच्चे करें कुछ तो थोड़ा सा लॉन्ग हो ये थोड़ा सा। देखिए कितना क्रंची और क्या टेक्सचर आया है, है ना। तो ये एक हो गया, ये भी फटाफट बना लेते हैं। और क्या क्या बना है तापस में आप एक बार बता आप देख लीजिए तब तक कि क्या क्या बना है। ये है टोस्टाडा जो मैक्सिकन है, इसमें हमने सालसा लगा दिया है, और चीज़ और कॉर्न का नगेट्स जो अमूल के हैं वो लगाए हैं, और उसके साथ ग्वाकामोली का सॉस, और ब्रुस्केटा जो हमारा है इटली से, और ये इटली का ही स्नैक्स बोला जाएगा भाई। ये जो एक है मैं तेल हटा देती हूँ, ये गैस ऑफ कर देती हूँ, और देखिए ये जो है ये देखिए कितना क्रंच। ये कैसे सर्व करेंगे, ये मैं यहाँ पे कुछ पुदीने के पत्ते, और इसमें सॉस रखा है, आप चाहो तो डिप कर सकते हैं ये सॉस में इस तरह से, और खाने में टाइम है तो बाद में भी कर सकते हैं भाई। चीज़ी सिगार्स भी बोल सकते। हाँ जी बिल्कुल, चीज़ी सिगार भी बोल सकते, और कितना फ्लावर जैसा बढ़िया सा ये चीज़ी सिगार। और गुजला में मैं लाती हूँ, इसको कट कैसे करना है, तापस जैसे कैसे सर्व करना है मैं दिखा देती हूँ। और इसकी जो लेयर्स है वो दिखा देती हूँ। फिर टूथपिक से देखिए
ये भी इतना क्रंची बना है। देखिए ये गोजला में, और देखिए इसकी मैं आपको कट करके लेयर्स बताना चाहती हूँ, चीज़ी पॉकेट, और ये देखिए इसकी लेयर्स। और मैं एक डिश लेना चाहती हूँ और उसमें ये टर्किश तापस गोजला में भी सर्व करना चाहती हूँ। वाओ, देखिए इसकी लेयर्स इसके साथ क्रिस्पी क्रिस्पी। आज मैंने बोला था कि आज प्रोटीन आयरन की बात नहीं करूंगी, लेकिन भाई मतलब इतना अच्छा ये तापस है कि मैं फिर से एक बार आपको बोलना चाहती हूँ कि क्या क्या आज हमने बनाया है। ये है टोस्टाड़ा जो मैक्सिकन है, और इसमें मैंने अमूल के रस्क भी यूज़ किए हैं और अमूल के कॉर्न और चीज़ नगेट्स, और ये सालसा है रॉ सालसा, और ये ग्वाकामोली सॉस है जो ग्रीन कलर का है, और मैंने ये दिखा दिया था आपको, एक बार सिखा दिया था ग्वाकामोली सॉस, फिर कभी फिर से सीखेंगे। और ये है हमारा सिगार, और क्रिस्पी सिगार, चीज़ी सिगार, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये है इटालियन, इसमें ब्रुस्केटा, और इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, और टमाटर अगर है मतलब इटालियन तो टमाटर तो आनी है भाई, वो किया है। आप चाहो तो ये हमारा अमूल का थोड़ा सा चीज सॉस भी उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए मोज़रेला तो डाला हुआ है मैंने, लेकिन चीज सॉस ज़्यादा नहीं डालेंगे। और चलते अभी ये जो है इसके बाद गोजले में हमने देखा जो टर्किश है वो भी तापस इसका, और इसके बाद ये इंडियन तापस कैसे बनाया भी। मीठा कुछ हो जाए, न्यू ईयर आ रहा है तो उसको मैंने जो कुकीज़ है बटर कुकीज़ उसके ऊपर गाजर का हलवे की कॉइंस बनाई है, और कैरमल सॉस जो अमूल का इतना प्यारा है उस पर डाला है, और ये हमारी फ्रेंच फ्राइज़ इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक डाल के ये दे रही हूँ। और अमूल कूल के साथ आज जो घर में पार्टी बन रही है हमारी, सब अमूल के इसके लिए, आप सब के लिए। चीज़ी पनीर भी हरी चटनी के साथ, स्क्वायर्स में मैरिनेट किए हुए टमाटर के वेजेस और प्याज के वेजेस। तो आज की इतनी सारी ग्लोबल तापस भाई, इतनी सारी कंट्री की, और मीठा भी उसके साथ। आप लोगों को कैसे लग रहा है, कैसे पसंद आया, कौन सी रेसिपी अच्छी लगी आज की जो दोनों बनाई है, और इतने सारे बना के रखे मैंने तापस, वो कैसे लग रहे हैं आपको, बिल्कुल कमेंट कर लीजिए। और आप सबको आने वाले न्यू ईयर की एडवांस में शुभकामनाएं। ये आने वाला साल बहुत अच्छा जाए 2022, और इसमें बहुत ज़्यादा खुशियां मिले, सब अच्छा रहे ये कामना करते हैं। और आप सब के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ, थैंक यू वेरी मच।